और अब बात करेंगे देश और दुनिया में योग दिवस मनाने की तैयारी की जा रही है। योग का प्रयास है अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सीमाओं को पार कर सैकड़ों देशों में पहुंच चुका है। तन और मन को निरोगी करने वाले योग पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं में कैसे की जा रही है योग दिवस की तैयारी। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया जिसमें शरीर मन और आत्मा को एक साथ लाने का योग होता है। योग का इतिहास 5000 साल पुराना है। प्राचीन भारत दर्शन कहता है कि योग मन और शरीर का अभ्यास है। इसी अभ्यास को करते करते इन छात्राओं ने ऐसी महारत हासिल कर ली है कि लोग इनकी चर्चा करते हैं और न्यूज 18 की टीम इनकी अद्भुत मुद्राओं को समझने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में धूम मचाने वाली इन छात्राओं के पास पहुंची। 13 साल की अफीफा अरशद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर हैं। खेलो इंडिया योगासन खिलाड़ी अफीफा नेशनल लेवल विनर हैं, राज्य स्तरीय योग आसन प्रतियोगिता की भी विजेता हैं और उनके साथ में 11 साल की वैष्णवी कुमारी 3 साल से योग सीख रही हैं। खेलो इंडिया का आगाज जिस मकसद के लिए किया गया था और जिन छुपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करना या मंच देना या अवसर देने का सपना देखा गया था, आज वही सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। भारत ने पूरे विश्व को योग से रूबरू कराया और जिसके फायदे देखकर विश्व ने इसे अपनाया और फिर शुरू हुआ इंटरनेशनल योगा डे। और आज इन्हीं योगिनियों ने भारत के उसी मशाल को पकड़कर पूरे विश्व में उसकी रोशनी फैलाने का जिम्मा उठाया है। दोनों छात्रों ने ग्राउंड के बीचों बीच कई मुद्राओं में योग किया। ऐसे योग करना सबके बस की बात नहीं, काफी साधना के बाद इन योगिनियों ने योग में अपना मुकाम हासिल किया है। तो आपने ये योग जो किया बिल्कुल अद्भुत योग है, मतलब बहुत ही अलग तरीके का योग है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे शुरुआत हुई है? मैंने शुरुआत तो नहीं की थी, मैंने एक दोस्त के बोलने पे योगा की शुरुआत की थी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी सारी उपलब्धियां हासिल करूंगी। मैंने बस सोचा था ले लिया है, हाँ ठीक है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इतना आगे तक बढ़ूंगी कि मैं खेलो इंडिया तक पहुंच जाऊंगी। बिल्कुल, आप अपने सफ़र बताइएगा कि किस तरीके से आपने शुरुआत की और अब तक का जो सफ़र है आपका आप वो बताइए। पहले मेरे को अगर मैं कुछ ज़्यादा या तो मैं ज़्यादा रन कर लेती थी तो मेरे को सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, ऐसे सांस फूल जाती थी। तो फिर मैंने सोचा योग को एक बार करके देखते हैं, सब कहते हैं योग से सारी समस्या का हल होता है। तो मैंने स्टार्टिंग करी योग आसन की। मैं पिछले 3 साल से योग कर रही हूँ, तो मतलब स्टार्टिंग करते ही पूरी इम्प्रूवमेंट नहीं हो गई थी। मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव करा, पहले बेसिक एक्सरसाइज से अब एडवांस तक हम पहुँचे हैं और इन पिछले 3 सालों में हमने योग की वजह से कई सारे उपलब्धि हासिल करी और हमने बहुत नाम भी कमाया है योग में। आशा करते हैं कि हम और भी आगे बढ़े। धन्यवाद। अफीफा अरशद ने योग के जरिए अपनी बीमारी पर न सिर्फ काबू पाया बल्कि उसने खेलो इंडिया में पुरस्कार जीत कर ये बता दिया कि योग में कितनी शक्ति होती है। कोरोना काल में भी जब लोग घरों में बंद हो गए थे तो इन बच्चियों ने योग के जरिए निरोग रहने का उपाय किया और दूसरों को भी प्रेरित कर योग से जोड़ा। कोरोना आया था तो सारे डॉक्टर ने सजेस्ट करा था कि दवाइयाँ वगैरह से तो है ठीक है, उससे साइड इफेक्ट भी पड़ते हैं, लेकिन अगर हम योग करेंगे तो हम उससे और बेनिफिट पाएंगे। सारे डॉक्टर्स ने सबने यही कहा था कि हम बेसिक लगभग योग प्राणायाम ये सब करो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मतलब आपके लंग्स भी ठीक होते हैं, आपको सांस लेने में भी कम दिक्कत आती है और अगर हम इसे अपनी डेली लाइफ में लाएंगे तो हमें कम से कम बीमारियाँ होंगी और हम फिट रहेंगे। ये दोनों योगिनियाँ योग गुरु हेमंत शर्मा की देखरेख में योग की हर बारीकियों को सीख रही हैं। ये नियमित इसी ग्राउंड पर आती हैं और अपने गुरु से योग की शिक्षा लेती हैं। मुझे इस स्कूल में 21 साल हो गए और ये लड़कियां मेरे पास 3 वर्ष पहले आई थी जी। तो योग की यदि हम बात कर रहे हैं जो अभी आपको इन्होंने करके दिखाया उसको आर्टिस्टिक योग बोलते हैं जी।
योगासन जैसा कि आप जानते हैं कि अभी खेलो इंडिया में भी उसको स्थान मिला है और स्पोर्ट्स में उसको शामिल किया गया है, तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे ट्रेडिशनल योगासन, आर्टिस्टिक योगा, रिदमिक योगा, ग्रुप योगा। तो जो आपके सामने इन्होंने एक्ट किया उसको आर्टिस्टिक योगा बोलते हैं, विद डांस किया जाता है, और इसमें जितना जो आपका डांस का पार्ट है उतना ही पार्ट आपका योग का भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना डांस के और बिना योग के ये वाला पूरा एक्ट ही अधूरा है। योग और डांस के कॉम्बिनेशन के साथ ये लड़कियां अपनी कला दिखाती हैं। पहले सिर्फ ट्रेडिशनल योगा करती थी, लेकिन गुरु हेमंत ने डांस को शामिल कर योग को और आकर्षक बना दिया। देखिए, जो आज का युग है ना, ये किसका ब्लेंड का जमाना है। यहाँ पे इस समय पे हम हर, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो कोई भी और क्षेत्र है, हम उसमें हमेशा बात करते हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न नॉलेज का ब्लेंड होना चाहिए। तो हमें अपनी शिक्षा को, अपने ज्ञान को पहुंचाना भी है उन तक, लेकिन उनको उसी अंदाज में पहुंचाना है जिसको वो समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर संगीत और नृत्य उसके साथ में जोड़ दिए जाते हैं तो वो ज़्यादा उनको रुचिकर लगने लगता है। और इसलिए छोटे बच्चे भी योग के प्रति आकर्षित होते हैं। अफीफा अरशद और वैष्णवी ने अपने योग से न सिर्फ बच्चों को प्रेरित किया है, बल्कि बड़ों को भी योग करने का संदेश दे रही हैं।